रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। इन लास्ट चार मैसेजेस ने किम्स की मार दी। पहले पल्लव का डेथ, अब पेपर लीक्स। एक ही दिन में कोलकाता का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज उसके घुटनों पे आ गिरा था। और अब ये क्वेश्चन पेपर्स लीक होने की खबर। अगर पुजीता को गलती से भी इसके बारे में पता चला, then she will be breathing down my neck with a full blown investigation. आप में से कोई भी मुझे ये बता सकता है कि किम्स ऐप पे ये आर्टिकल किसने पब्लिश किया? मिस शर्मा, मैं ये टॉलरेट नहीं करूंगा। मेक श्योर द ऐप इज सिक्योर इनफ सो दैट इन फ्यूचर कोई ऐसी नॉनसेंस खबर पोस्ट ना करे। यस डॉक्टर। और मुझे जानना है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। Am I clear? Yes. मैम मुझे नहीं पता ये सब। I gave you one responsibility. One. मैम मैंने पासवर्ड भी चेंज कर लिया, फिर भी ये सब मुझे समझ। It is your job to know. Only you and me have the password to this. Then who the hell has been posting these updates? Once upon a time, a stupid girl begged me to make her the head of the student council, saying that she would work in my favor whenever I wanted. And I obliged her by doing so. So it's your responsibility to know what is happening, right? Yes, ma'am. Now you listen to me, ma'am. If you fail to do this, I promise you, there will be consequences. Out! Sorry, ma'am. बहन चला गया ना छोड़कर। ये आधा तेरे लिए। और बाकी का आधा कभी साथ पिएंगे। तब तक वही करूंगा जो रोज करता हूं। टेल द वर्ल्ड टू फ एंड स्विच ऑफ। और वैसे भी मेडिसिन की दुनिया असली प्रॉब्लम नहीं है। या तो रोबोट्स मैन्युफैक्चर होते हैं ट्रेन किए हुए। इसको तो आंख बंद करके इग्नोर कर सकता हूं। असली प्रॉब्लम है हमारी दुनिया, आवर लाइफ, जिसके लिए हमको कोई ट्रेन नहीं करता। कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं, नो इंस्ट्रक्शन मैनुअल, नो प्रोसीजर, नो थियरी। सीधा प्रैक्टिकल एग्जाम ऑफ द सब्जेक्ट कॉल्ड लाइफ। एन ओशन ऑफ फीलिंग्स, इमोशंस, और इन इमोशंस को कैसे हैंडल करना है, फीलिंग से कैसे डील करना है, कोई नहीं सिखाता। जो लकी है वो तैर के निकल जाते हैं और बाकी डूब जाते हैं। लाइफ सेव करने के बारे में पढ़ाने से ज्यादा लाइफ से डील कैसे करें ये सीखना जरूरी है। तो फिर कोई मेडिकल इंस्टीट्यूशन ये सिखाती क्यों नहीं है? किसी भी मेडिकल कॉलेज के सिलेबस में ये सब्जेक्ट क्यों नहीं है? मैंने बोला ना जा यहाँ से। यू सी, सिर्फ ऐसे ही बैठने आया हूँ, सो चिल। ये लेके चला जा। ये भाई, कंट्रोल। ग्रीफ वॉज अबाउट टू टेक अ बैक सीट। फिर वही डर, वही थ्रिल। पेपर लीक हो गया था। अब मैडम सी कौन थी? आबिर इतना क्यों डर रहा था कि
पलो को भी भूल गया था। और यार चार साल मैंने मेहनत किया है यार यहाँ तक पहुंचने के लिए। रोज पढ़ाई करती हूँ, तू भी देखती है, पढ़ाई और ऑफिस में भी हेल्प करने की कोशिश करती हूँ। जो कुछ भी हो रहा है, अगर जल्दी स्टॉप नहीं हो रहा तो मैंने जो कुछ भी किया वो सब में पानी फिर जाएगा। कुछ नहीं होगा, किसी ने सच में क्वेश्चन पेपर लीक कर दिया होगा। यार फाइनल्स के पेपर है, कोई भी के कांड कर सकता है। मैं क्या करूं? हम ढूंढते हैं, हम सिक्योरिटी पासवर्ड देख, कुछ याद है तुझे? मैंने सब कुछ मैम फोन भी नहीं उठा रहे हैं। मैम आबिर ठीक है? हाँ मैं एक्चुअली तुझे ही कॉल कर रहा था, तू फोन नहीं उठा रहा है। मुझे तो कोई कॉल नहीं आया। वही तो मैं कह रहा हूँ कि तुझे मतलब कॉल करने की कोशिश कर रहा था, तू तेरा फोन नहीं लगा। तू पल्लव के प्रेयर मीटिंग में भी नहीं आया। थोड़ा लो फील कर रहा था तो सोचा अकेला टाइम स्पेंड करो। वही मैं इसीलिए बस आया कि तू वहाँ पर नहीं आया था, तू ठीक है कि नहीं? इफ यू आर नॉट ओके देन थैंक्स मैन, ठीक हूँ मैं। तू ठीक है तो फिर आई ना शो या मतलब या व्हाट अ फॉल डे यार। आई नो, देखो किम्स ऐप पे क्या चल रहा है। बुलशिट यार, ऐसे कैसे पेपर लीक हो सकते। आई एम जस्ट नॉट माय सेल्फ टुडे यार, आई एम सॉरी। नहीं इट्स फाइन। चल तू चिल कर ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, आई एम बेटर या बाय, गुड नाइट या वो विशेष घर पे ही है। जानती हूँ, मैं ये भी जानती हूँ कि मुझे पल्लव से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी, और तुम्हें भी इतना अब्यूजिव नहीं होना चाहिए था। मुझे तो बहुत कुछ नहीं करना चाहिए था, पर अब क्या फर्क पड़ता है। अबीर आई थिंक ये जर्नी यहीं तक थी। हम दोनों ने एक दूसरे को बहुत कुछ कहा है। कम ऑन गिव मी अ गुड बाय हग। विशेष इसी घर में थोड़े दूर ही था, क्या करने वाले थे ये दोनों। ट्रोमा भी अक्सर अजीब तरह से अपना बदसूरत चेहरा दिखाता है, और कुछ गलत करने का थ्रिल उसके गिल्ड को हरा देता है। अब क्या आबिर अपने डार्क साइड को अपनाने वाला था, या उसे हमेशा के लिए भगाने वाला था।